चलो आज हम लोग देखते हैं इस सेशन में, इसमें 6.2 से बाकी था इसका कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो था इस तरह का, एक त्रिभुज रहेगा, ये जो भुजा था बीसी का समांतर एक डी खींचा हुआ था, तब यहाँ है कि ये दो तीन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ये इसी निकालने के लिए रहेगा, तो थेल्स पर मैं लागू करके निकालने के लिए बता दिए थे। उसके बाद का क्वेश्चन अगर इसमें बताया जाए तो क्या होगा, ये 2/3 और इसका 4/ इसी होगा, तो इस तरह यहाँ से फिर इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसी 4, ये 3/2, इस तरह 4 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में 3/2 गुना 4 बराबर इसी, ये कट जाएगा 2 बार में 3 × 6, इस तरह से इसको बना सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, तो इस तरह वाला क्वेश्चन हो गया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला है, एक वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो भी आ सकता है 2 नंबर में, उसको भी पूछ सकता है, जिसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिगर में यहाँ पर ये फिगर है, ये जो है इसका समांतर है, ये इसका समांतर, ये जो है इसका समांतर है, तो यहाँ पर निकालने, इसको प्रूफ करने बोला, पहले लिख लेंगे दिया है, दिया हुआ क्या है, सिक्स एटीन इसका फिगर ये नहीं है, 4 नंबर क्वेश्चन है ये, 4 नंबर ही बता देते हैं पहले, ये जो डी समांतर है किसका है, एसी है, डी समांतर एसी, और ये डीएफ समांतर किसका, यही हो जाएगा, सिद्ध करने बोला है, सिद्ध क्या करना है 4 नंबर में, एफ ई बराबर है बी ई बटा इसी, ये प्रूफ करना है, ये सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ले लेंगे इस तरह से, ये दोनों इसका समांतर है, यहाँ पर बी, यहाँ डी, यहाँ एफ और यहाँ ए ई, तो जब ये इसका समांतर है थेल्स पर में लगाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई में, और लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई है, इसलिए थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर थेल्स प्रमेय से बी डी बटा डी ए और बराबर में बी एफ बटा एफ ई, ये होगा, इसको फर्स्ट मान लेंगे, फिर से अभी इस त्रिभुज में ले लेंगे बड़ा वाला में ए सी और ये बी, इधर से ये डी और ई, ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी में, डी समांतर दिया हुआ है किसका, ए सी का, तो जब ये इसका समांतर है तो यहाँ फिर से थेल्स पर में लगाएंगे और ये हो जाएगा बी डी बटा डी ए, जाएगा समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर भिड़ा देते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, इधर बायां तरफ वाला बराबर तो दाहिना तरफ वाला क्या हो जाएगा, दाहिना तरफ भी बराबर बी बटा ई सी, अच्छा बी बटा ई सी, और इसका गलत आ गया था क्या, अच्छा ये बी एफ है ना, बी एफ बटा एफ ई, और ये बराबर होगा बी बटा ई सी, इसी को अरेंज कर लेना, इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, अच्छा यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ
यहाँ समीकरण फर्स्ट सेकंड को भिड़ा देना, जो प्रूफ करना वही आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। केवल इसमें त्रिभुज को अलग करना है, जो समांतर रहेगा ये समांतर है, बस इसको लेकर अलग कर देना, ये समांतर है इसको लेकर अलग कर देना है त्रिभुज, और उसमें थेल्स में बैठा देना है, आसानी से बन जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को भिड़ाने से। इसके बाद एक थ्री नंबर इसका था, थ्री नंबर में क्या बोला है कि आकृति दिया हुआ इसमें भी समांतर है सेम इसी तरह से, उसमें भी अलग कर लेना है दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को अलग करके थेल्स फॉर्म में बैठा देना है। उसके बाद दोनों दो समीकरण आएगा, दोनों समीकरण को भिड़ा देना, जो प्रूफ करना है वही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, ये है एम एल और एन, इसमें दिया है जो जो समांतर है वो लिख देंगे। एल एन जो है ये एल एम समांतर किसका होगा, बी सी होगा कि सी डी होगा, ये एल एन समांतर बी सी ना होगा, क्या दिया हुआ देखो एल एम समांतर बी सी वही सी बी, बी सी या सी डी बात देखिए, और ये जो है एल एन समांतर क्या होगा सी डी या डी सी बात देखिए, सिद्ध करना है यहाँ पर क्या सिद्ध करना होगा, ए एम बटा और ए एन बटा एन डी, ये प्रूफ करना होगा। ये दोनों भुजाओं का अनुपात को ए एन बटा ए डी, तो इसका भी होगा ए एम बटा ए बी, वो बात देखिए उसमें एक जोड़ देंगे लास्ट में हो जाएगा। परमान ऊपर ला त्रिभुज में ले लेते हैं पहले, ये दोनों समांतर है ए बी सी एम एल, तो त्रिभुज ए बी सी में बी सी, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं ए एम बटा एम बी और बराबर ए एल बटा एल सी, इसको मान लेंगे फर्स्ट। फिर से ये नीचे वाला त्रिभुज इसमें ले लेंगे, तो ए सी यहाँ डी यहाँ एन और ये एल, ये इसका समांतर है, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर सी डी, इसलिए थेल्स प्रमेय से ए एन बटा एन डी और बराबर होगा ए एल बटा एल सी, इसको मान लेते हैं सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड दोनों को भिड़ा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो इसका यहाँ पर राइट साइड लो दाहिना तरफ वाला बराबर है तो बायां तरफ वाला भी बराबर आएगा, ए एम बटा एम बी और ए एन बटा एन डी, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ, ए एम आ गया है ना, ए एम ए बी नहीं आया, तो इसको पहले ए एम वो जो लाना है वो ऊपर में है तो उसको नीचे करना होगा, और यहाँ एन डी बटा तरफ ये एम क्या जाएगा ए एन हो जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर, एक जोड़ देंगे इधर भी और उधर भी, एम बी बटा ए एम प्लस वन, एन डी बटा ए एन प्लस वन, इसका जब जोड़ेंगे यहाँ तो ए एम एक यहाँ इसको जोड़ रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा ये एम बी और प्लस हो जाएगा ए एम, और नीचे में जो रहेगा वो ए एम ही रहेगा, ये इसके साथ गुना होगा ना ए एम गुना एक और प्लस में एम बी, तो ए एम गुना एक ए एम ही रहेगा और प्लस में एम बी रहेगा। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ये एन डी प्लस ये वाला ए एन यहाँ चला जाएगा ए एन और बटा में हो जाएगा ए एन, अब इसको जोड़ देना है एम बी और ए एम, ए से एम से बी, ये एम से बी और ए से एम जोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ेंगे फिगर में देख के, यहाँ से एम बी और ए एम, एम बी और ए एम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा पूरा ए बी मिलेगा और बटा में ए एम,
फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एडी मिलेगा, एनडी प्लस एडी, एनडी एनडी प्लस एएन, ये एएन, ये दोनों को जोड़ देंगे एडी मिलेगा और बटा में है एएन। अब इसको फिर से पलट देना है तो इधर हो जाएगा एएम और बाय में हो जाएगा एबी, इधर हो जाएगा एएन और बाय में हो जाएगा एडी। यही तो प्रूफ करना था, ये तो इसमें केवल ये लाने कुछ नहीं, बाकी दोनों त्रिभुज को अलग कर लेना है। दोनों त्रिभुज में यहाँ समांतर दिया हुआ है, थेल्स प्रमेय बैठाने, दोनों समीकरण को थेल्स प्रमेय बैठा के दोनों त्रिभुज को लेकर दोनों समीकरण को भिड़ा देना है, भिड़ाने के बाद एक जोड़ देना है, हो जाएगा। इससे और वैसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बाकी का जो भी ये सभी थ्योरम वाला सभी का जो लिंक है ना नीचे डाला हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें है, और एक ही अलग से बना देंगे सारा थ्योरम एक साथ में। सिक्स पॉइंट थ्री ना, 6.3 का जो क्वेश्चन है उसमें समरूप दिखाना और समरूपता का कसौटी इसमें लिखना है। जैसे कि दो त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस तरह का दो त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी और पी क्यू आर है। तो ए बी सी में यहाँ 60 दिया हुआ है, ये 40 80 है, और ये 40 यहाँ पर, ये 60 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, और ये 40 दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, दो नंबर में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसका समरूप पूछेगा कि ये त्रिभुज ए बी सी अगर नाम लेंगे तो ए बी सी के साथ में इस त्रिभुज का कौन सा भुजा पहले लेना, यानी कि कौन सा पी क्यू आर इसका इस तरह से कौन सा होगा, ये लेना। जैसे इसी में अगर देख लें तो ए बी सी पहले लिख दिए, त्रिभुज ए बी सी, ए पर कितना है 60, तो इसमें जो समरूप होगा ये डायरेक्ट पी क्यू आर है, लेकिन ए को पहले लिखे हैं तो ए का कितना है यहाँ 60 है, तो यहाँ इस त्रिभुज में जिसका 60 रहेगा उसी को पहले लिखेंगे। किसका 60 है, पी का, तो पी पहले लिखेंगे। यहाँ पी का कितना है 80, तो यहाँ भी 80 का नाम क्या है, कौन, क्यू, तो यहाँ क्यू लिखेंगे। उसके बाद इसका सी बचेगा, इसका इस तरह से लिखने के लिए आ सकता है एक नंबर में। अगर दो नंबर में आएगा इसका समरूपता कसौटी लिखने के लिए आएगा, बनाने के लिए पूरा जाएगा। जब पूरा बनाने के लिए देगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसका ए और उसका पी बराबर है किसका, कितना का, 60 डिग्री का बराबर है। इसका बी और उसका क्यू कितना के बराबर है, से हो जाता है समरूप, ये हो गया 40। दो ही से समरूप क्यों होगा, जब कोई भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, ये दोनों कोण दोनों के बराबर है, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिक है कि तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज में जब समरूपता दिखाना होता है तो ट्रिपल ए जो है 3A समरूपता का कसौटी नहीं होता है, कौन सा ये होता है, केवल दो ही है, डबल ए समरूपता का कसौटी होता है। वही चीज यहां भी डबल ए ट्रिपल ए लिख दो, समरूपता कसौटी या समरूपता नियम, यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ये दो नंबर में आएगा तो इस तरह से इसको सॉल्व करना या बनाना है इसका। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन आकृति में दिया हुआ है, ये तो आसान सा है, दो नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में देखना है और जो जो निकालने बोला है कौन, वे सभी कौन को निकालना है। यहाँ है 125 और यहाँ है 70, तो
दोनों त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, और ऐसे भी अगर समांतर होगा तो इसका बराबर ये दोनों होगा एकांतर कोण से, इसलिए हम लोग इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाएंगे। मतलब कि ये 70 है तो इसको 70, इसका नाम क्या होगा, ए बी ओ। ए बी ओ निकालना है, अरे जो भी है, यहाँ पर ए बी ओ बराबर किसका, इसका हो जाएगा सी डी ओ का, और बराबर में कितना 70 डिग्री। अच्छा, यहाँ से ये एक निकालने बोला है, निकालने के लिए तीन कोण दिया हुआ है डी ओ सी, डी ओ सी ये कोण निकालना है, ये कोण यहाँ से निकलेगा रैखिक युग्म में, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, ये 125 दिया हुआ है, 125 के साथ इसको जोड़ेंगे डी ओ सी को, तो दोनों को जोड़ के कितना होगा 180। इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैखिक युग्म से। तो ये 125 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 125, घटा देंगे तो 55 डिग्री, डी ओ सी आ गया 55। ये 55 आया तो ये भी कितना होगा 55 होगा, ठीक है। अच्छा, इस कोण को एक निकालने बोला, एक इसको निकालने बोला, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये कोण कैसे निकलेगा। दो तरीका है इसका, दो इस त्रिभुज का दो कोण मालूम होगी, ये 55 और ये 70, ये नहीं मालूम है, तो तीनों को जोड़ देंगे 180 के बराबर होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण 125 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना है 70 है, और ये नहीं मालूम है, तो ये त्रिभुज के अंतः कोण को जोड़ देंगे तो बाह्य कोण के बराबर होता है, इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो त्रिभुज डी ओ सी में ले लेते हैं और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 180, मतलब 70 और 55 और फिर सी वाला पर, मतलब कि डी सी ओ, तीनों को जोड़ देंगे कितना डिग्री होगा 180। ये दोनों को जोड़ दो, 70 और 55 कितना हो जाएगा 125 होगा, 125 इधर माइनस कर दो क्या हो जाएगा, ये भी 55 ही आएगा, ये डी सी वो 55 आ गया। फिर से निकाल, एक यहाँ निकला एक यहाँ निकला, उसके बाद एक और निकालने बोला ये वाला ओ ए बी, तो ओ ए बी जो निकलेगा ये इसके बराबर होगा, कितना के बराबर 55 के, मतलब तीनों कितना डिग्री निकला 55 डिग्री निकला। इसमें और कोई अगर टफ क्वेश्चन उठाएगा तब दे सकता है इसका 7 नंबर, 7 है, एक बार ट्राई कर लेना है, 7 8, देखो 4 भी है, 4 बता दें क्या, इसमें 4, उसके बाद एक 4 और 6। फोर में कह रहा है कि आकृति दिया हुआ है, ठीक है, आकृति छाप लेते हैं। उसके बाद इसका दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी, यहाँ से ये इसको कोण एक माना गया है, और इसको इधर से जब खींचा है तो इसको माना है कोण दो। जो कोण एक और दो माना है उस त्रिभुज को हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसमें दिया है, दिया हुआ क्या क्या है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा किसका पी आर का, और कोण एक बराबर है कोण दो का, तो सिद्ध करना है, यहाँ दर्शाना लिखा हुआ है, सिद्ध करना है हमें कि पी क्यू आर पी क्यू एस समरूप होगा किसका टी क्यू आर का। अब हम लोग यहाँ प्रमाण में लेते हैं, और जो त्रिभुज को समरूप दिखाना उसी त्रिभुज में पहले उसी त्रिभुज में लेंगे, उससे पहले हम लोग इस त्रिभुज में लेते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लेंगे तो कोण एक बराबर कोण दो है, ये दिख रहा है कोण एक बराबर कोण दो, ये कोण एक और कोण दो है, यहाँ है पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर,
एक और दो बराबर, जब दो कोण बराबर होता है किसी त्रिभुज में तो उसका समूह भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक का सामने कौन सा है, दो है, एक के सामने पी आर है और दो के सामने पी क्यू, ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद अब ले लेते हैं हम लोग इस त्रिभुज में जिसमें जिसको समरूप दिखाना है, पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, इस दोनों त्रिभुज में लेंगे तो पहला कोण क्यू जो है इसमें देख लेते किधर है, पी क्यू एस, पी क्यू एस ये क्या त्रिभुज है और टी क्यू आर, टी क्यू आर ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला एक बार, एक ये पूरा बड़ा वाला, तो कोण क्यू दोनों में है, कोण क्यू उभयनिष्ठ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन, और एक ठो ए मिल गया, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ क्या है, क्यू आर क्यू एस बराबर क्यू टी और पी आर। ये देखो यहाँ पर इसका अगर देखें हम लोग तो क्यू आर है, क्यू आर किधर है, ये क्यू आर है और क्यू एस इसका है, ये दोनों अनुपात ठीक है, इस त्रिभुज का क्यू टी है लेकिन इस त्रिभुज का ये पी आर जो है इसका है ही नहीं, तो पी आर के जगह पर हम लोग बदल के लिख देंगे, ये पी आर के जगह पर क्या लिख देंगे, पी क्यू, जो कि इस त्रिभुज का मिलेगा ये पी क्यू, तो ये क्यू आर क्यू एस क्यू टी और ये पी क्यू मिल जाएगा, ये हो गया क्यू आर क्यू एस और ये क्यू टी और प्लस बाई में पी आर के जगह पर पी क्यू, तो ये मिल गया ये दोनों त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात, जो कि यहाँ एक गो एस और ये दूसरा एस और एक यहाँ कोण बराबर है, तो ये तो कौन सा समरूपता कसौटी लगेगा, दो ठो एस है और एक गो ए, एक वाला को बीच में रखेंगे, यहाँ पर समरूपता कसौटी, कसौटी से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज टी क्यू आर दोनों क्या हो गया समरूप, यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया सिंपल। इसमें क्या करना है, एक थोड़ा सा इसमें दिया हुआ ये जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है ये यहाँ पर इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज जिसे हमें प्रूफ करना है उस त्रिभुज में नहीं मिलता है, इसके लिए एक और दो को बराबर दे रखा है ताकि ये हम लोग इसको बराबर कर सके, तो एक और दो का प्रयोग करके पी आर और पी क्यू को बराबर दिखा दिया, उसके बाद इस दोनों त्रिभुज में ले लिए तो जो दिया हुआ तो उसको बैठा दिए जिसमें ये बराबर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर एक दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण मिल गया, इससे दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दिए, समरूप दिखा दिए। क्या हुआ जाओ